नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के आज एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग को सिद्ध करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे 2/3, 1/5, या केवल अगर हम 4 बोले तो भी ये परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का मतलब होता है 4/1, ठीक है। तो परिमेय संख्या को p/q का क्या मतलब है कि p और q यहां कोई पूर्णांक हो सकता है, बट नीचे वाला जो होगा q, जैसे p/q हुआ तो q जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह हम कोई भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जब आएगा जो हर में आएगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है, यानी परिमेय संख्या का हर कभी 0 नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q या a/b यानी बटा में लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो संख्या बटा में नहीं लिखा जाएगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए, आपको करना क्या होता है, इसमें कुछ लिखना पड़ता है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग अपरिमेय संख्या डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कुछ देर के लिए पहले मान लेंगे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या। हम लोग ये मान लेते हैं कि √5 मान लिया जाए वो परिमेय संख्या है, ठीक है, और हम साबित कर देंगे कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग का मानना अपने आप गलत हो जाएगा, तो √5 अपने आप क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। देखिए, आपका पास जो डाटा रहेगा √5 है, तो जिस प्रोसेस से हम आपको यहां पर ही बता रहे हैं, √5 के जगह में अगर √2 आ जाए ना तो इसी प्रोसेस से बनेगा, √5 के जगह √3 आ जाए तो इसी प्रोसेस से बनेगा, √7 आ जाए इसी प्रोसेस से बनेगा, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए रूट के अंदर, मतलब ये अभाज्य नंबर होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको लिखना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए √5 a/b, और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये लिखना आपको जरूरी है, b जो होता है कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन a 0 हो सकता है, ठीक है। जहां a और b क्या है, तो a और b पूर्णांक है, तो आपको इसको लिखना होगा, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b, ये जो a और b है ना, ये एक तरह का सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका जिसका उभिनिष्ठ गुणनखंड एक हो, यानी a और b ऐसा नंबर होगा जिसका एचसीएफ एक आएगा। तो इस बात को आप कई तरीका से लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखे हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये जो भाषा लिखा हुआ a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब a और b ऐसा नंबर रहेगा जिसका एचसीएफ एक आएगा। मान लेते हैं a का जगह में अगर 2 है और b का जगह में 3 है, तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक के अलावा, यानी 2 और 3 अगर लिखा हो तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, केवल एक कॉमन आएगा, तो उसी को हम लोग उभिनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं, और एचसीएफ 1 आना चाहिए, एक ही बात है। तो मान लिया जाए a अगर 7 है तो b ऐसा नंबर रहेगा जो 7, और इस नंबर को मान लेते हैं 5 है, तो 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, तो उसी को उभिनिष्ठ गुणनखंड हम लोग मान लेते हैं, यानी a और b किसी से डिवाइड नहीं होगा, a और b किसी से डिवाइड नहीं होगा, उसी को बोलते हैं उभिनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रत्येक बार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखना होता है आपको, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है, b को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो a बराबर बचेगा क्या, √5b, तो उसी को यहां लिखना है, a बराबर √5b, लिख दिए। अब देखिए, इसी को दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर हम लोग स्क्वेयर कर दिए, तो a का भी स्क्वेयर कर दिए, √5b का भी स्क्वेयर किए, अब a का स्क्वेयर तो a स्क्वेयर बचेगा, लेकिन ये स्क्वेयर √5 का भी है और b का भी है, तो स्क्वेयर √5 का जब जाएगा तो रूट कट जाएगा, केवल 5 बचेगा, लेकिन स्क्वेयर जब b का होगा तो b का स्क्वेयर बचेगा, यानी आपका वैल्यू क्या निकल गया, a स्क्वेयर का, a स्क्वेयर बराबर 5b स्क्वेयर निकला। हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, b को हम a स्क्वेयर के बटा में लिख दिए, b को a स्क्वेयर के बटा में आया, इसका मतलब b स्क्वेयर बराबर क्या आया, ए स्क्वेयर बटा 5। अब एक चीज आपको समझना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वेयर को बी पूरा पूरा क्या करेगा, विभाजित कर देगा, यानी ए स्क्वेयर का आपका कुछ भी वैल्यू होगा ये बटा में, मतलब भागा, ये बटा का मतलब क्या होता है, भागा, इसका मतलब ए स्क्वेयर को 5 क्या कर रहा, विभाजित कर रहा। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वेयर को कौन विभाजित, ए स्क्वेयर को कौन कर रहा, तो ए स्क्वेयर को विभाजित कर दे रहा 5। जैसे कि a का मान हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लेते हैं a का मान 10 है, ठीक है। अब 10 का स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 100, तो इसको ये 5 विभाजित कर दिया 20 बार में, तो अगर ये जो 10 है, 10 का स्क्वेयर को अगर 5 डिवाइड कर रहा तो 10 को भी डिवाइड करेगा। तो इसी चीज को यहां पर लिखा गया है कि अगर मान लिया जाए
कि ए स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है इसका मतलब ही होता है कि ए स्क्वेयर को 5 विभाजित करेगा। तो आपको लिखना है 5 ए स्क्वेयर को विभाजित करता है, इसीलिए अगर 5 ए स्क्वेयर को विभाजित करेगा तो गारंटी है इस बात का कि 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये कहाँ से आया, ये आपका अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है उस प्रमेय के हिसाब से ये चीज आया, क्योंकि अर्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है अगर कोई नंबर ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। मान लिया जाए जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वेयर 16 होता है, अगर 4 का स्क्वेयर को 2 डिवाइड कर रहा तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को ये लिख लेना है और इसको समीकरण 2 बना देना है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ कि ए के पास एक गुणनखंड 5 है, लेकिन हम लोग माने हैं कि ए और बी का कोई गुणनखंड नहीं है, केवल एक है दोनों में, ठीक है। और ए का एक गुणनखंड 5 मिल गया क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको करना क्या, अब हम लोग मान लेते हैं कि ए का वैल्यू मान लेते हैं 5c, ए का वैल्यू क्या मान लेंगे 5c, तो आपको सी क्या है, सी एक कोई पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो ए का मान जो 5c माने हैं इसको समीकरण 1 में बैठा देंगे, ए के जगह में। तो आपको लिखना होगा ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये वाला है, ए के जगह में बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वेयर है, ए का क्या है स्क्वेयर है, बराबर में 5b स्क्वेयर बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वेयर 25, सी का स्क्वेयर सी स्क्वेयर होगा 5b स्क्वेयर। अब ये 5 से ये 25 कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में, तो 5 को हम लोग कर देंगे बी स्क्वेयर के बटा में, तो सी स्क्वेयर बराबर क्या आ गया, बी स्क्वेयर बटा 5। अब बताइए एक बात, ये बी स्क्वेयर 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बी स्क्वेयर को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो आपको फिर लिखना है अतः 5b स्क्वेयर को विभाजित करता है, अगर 5b स्क्वेयर को विभाजित करेगा तो पक्का है कि 5b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये एक प्रमेय के हिसाब से आता है। तो अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। तो समीकरण 1 क्या बोलता है, समीकरण 1 बोलता है, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, तो समीकरण 1 नहीं समीकरण 2, समीकरण 2 क्या बोलता है, समीकरण 2 बोलता है कि 5a को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 जो है a का एक ही गुणनखंड है। इसी प्रकार समीकरण 3 बोलता है कि 5b को भी विभाजित करता है, इसका मतलब है कि 5b का एक गुणनखंड है। तो उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ लिखना है, दोनों में 5 ही आ रहा है, कि समीकरण 1 और 1 नहीं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से a और b का उभिनिष्ट गुणनखंड 5 है, क्योंकि समीकरण 2 में भी देखा जाए तो 5 आ रहा और समीकरण 3 में भी देखा जाए तो 5, तो उभिनिष्ट गुणनखंड क्या आ गया, 5। लेकिन हम लोग उभिनिष्ट गुणनखंड क्या माने हैं, 1। हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि a और b के पास 1 के अलावा कोई भी उभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ही a और बी दोनों के पास उभिनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा, 5 आ रहा, तो ये लिखना है। तो ऐसा क्यों हुआ, हम लोग जो माने थे वो गलत साबित हो गया, हम लोग माने थे कि 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो 1 के अतिरिक्त 5 उभिनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो ऐसा हुआ क्यों। तो आपको लिखना है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, विपरीत माने हम लोग जो माने थे 1 उसके उल्टा आ गया, ठीक है। यह विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, मतलब हम लोग गलत माने थे, हम लोग क्या किए थे, गलत माने थे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो उस बात को यहां लिखना है कि यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जो कि मतलब हुआ है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, यह हम लोग का गलती हो गया मानना, अतः रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, हम लोग मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत साबित हो गया, तो रूट 5 अपने आप क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपको प्रत्येक बार इसी तरह इस लैंग्वेज का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन जितना भी आप बना सकते हैं इस टाइप का, इसके अलावा इसका अलग एक टाइप होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो रूट 5 के जगह में रूट 2 वाला भी आप सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरह, बस जहां जहां आपको 5 दिख रहा है वहां क्या लिख देना है, 2। रूट 5 वाला के जगह में रूट 2 वाला भी आ सकता है, रूट 3 वाला आएगा तो जहां जहां 5 है वहां 3 लिखना है, आप रूट 7 का बनाइएगा जहां जहां 5 है वहां 7 लिखना है, आप रूट 11 का बना सकते हैं जहां जहां 5 वहां 11 लिख सकते हैं। इस तरह आपको डाटा बदल बदल के खुद से सॉल्व कर लेना है, लेकिन प्रोसेस इसी तरह रहेगा आपके पास, ठीक है। चलिए तो हम लोग का देखिए ये एक्सरसाइज जो आपका 1.3 था उसका ये पहला क्वेश्चन था, ये हम लोग पूरा कंप्लीट हो गया। अब डाटा बदल के आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा 2, 3, 7 ये सब रख के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और भी क्वेश्चन है, 3 नंबर भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।